बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। कैसे, उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो नई व्लॉग के साथ हाजिर हैं। तो अभी हमारी छुट्टी हो गई है। अच्छा, तो अभी हम बाहर निकले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेट्रो के पार्किंग एरिया में हम मौजूद हैं और ज्यादा रश है कस्टमर का और शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। पीछे एरिया भी आप लोग देख सकते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो हमें एक पुराना दोस्त मिल गया है और इसको हमने पकड़ लिया है। और ये लड़का जो है अभी घूमी करने आया है, वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इससे आज हम कुछ सवाल करेंगे, अगर इस सवाल का इसने जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से 1000 रुपया। समझ गया। और सवाल जो है वो IQ लेवल का है। तो पहले तो इस भाई से पूछते हैं कि भाई आपका IQ लेवल कैसा है? मेरा IQ लेवल जो है ना गुजारे हाल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है? थोड़ी बहुत समझ आती है। अब बेसिकली आप रहते हैं किधर के? रावलपिंडी से ही ताल्लुक। अच्छा, है हमारा रावलपिंडी के है। फिर तो आपको आती होगी पंजाबी, आती है यहाँ की सराइकी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपने इसका जवाब दे दिया ना मेरी तरफ से आपको 1000 रुपया। ठीक हो गया, ठीक है, समझ गया। आपसे 2 सवाल करूँगा, 2 में से आपने 1 का सवाल लाजमी जवाब देना, ठीक है? तो सवाल ये है कि पंजाबी लैंग्वेज में आप खुर किसको कहते हैं? खुर, खुर तो एक चावलों का पतीला जो होता था वो खुरते थे हम लोग, उसको बोलते थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो जो कुर्दना नहीं है, वो चावल थोड़ा सा बचते है, वो कुर्दना कहते हैं उसको। हाँ, वो जो थोड़ा सा बचता था उसको मारते थे, वो चमचा सा। अच्छा, उसको हम बोलते हैं खुर। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में उसको कहते हैं जो वो खुर्द वो होता है उसको? नहीं, खुर की बात करो, खुर। वो खुर और कौन सा खुर हो सकता है इसका? अगर आपने इसका जवाब दे दिया ना तो मेरी तरफ से 1000 रुपया। खुर तो जहन में पता नहीं समझ आता है, वही खुर्दना बोलते हैं उससे, खुर्दना कहते हैं वही खुर्द रहते हैं हम उसको बोलते हैं खुर्दना। अच्छा, चल इस सवाल को छोड़ो। अच्छा, इस सवाल को छोड़ो, इसकी माफ़ी, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपको सराइकी लैंग्वेज आती है? बहुत मीठी जुबान है जी। आज समझ आती है, बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते? अच्छा, हाँ दोस्त, तो मुझे बताएं कि सराइकी लैंग्वेज में बाजी किसको बोलते हैं? बाजी जो रास्ते में चलती हुई औरत होते हैं उसे ही बाजी बोलते हैं। हम लोग किसको बाजी बोलेंगे, क्या पता है बाजी कौन होती है। अच्छा, ठीक है। वैसे आपका IQ लेवल नजर आ रहा है कि आप वाकई बहुत अच्छा है। मुझे तो नौकरी मिलते मिलते रहेगी मेरे IQ की वजह से। अच्छा, मैं तो ऑफिसर होता है बीस टाइम, और मेरा IQ लेवल उन्होंने चेक किया और कहते हैं ठीक है तुम अपनी जगह जबरदस्त। मेरी तरफ से पता क्या है, बेस्ट विशेस, और आप बहुत आगे जाएंगे जिस तरह का आपका IQ लेवल है ना। ठीक है, आप बहुत आगे जाएंगे, अल्लाह आपको तरक्की दे। तो मिलकर क्या करने आए, बुढ़ी करने आए? कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं, मेरा 10 का नोट गुम हो गया था। अच्छा, 10 का नोट, ठीक है। तो आप ऐसे करें ना, अंदर जाएं और उधर ना कस्टमर सर्विस पे अनाउंसमेंट करवाएं कि 10 रुपये का नोट गुम हो गया, किसको मिले तो मेरे घर पहुंचा दें। उसकी निशानी उस पे कायदे आज़म है। अच्छा, और टोपी भी पहनी हुई है ना? टोपी पहनी है ग्रीन कलर के, ग्लासेस भी डाले कायदे आज़म ने। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वो तो मेरा दोस्त चला गया है, उसका IQ लेवल आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी हमारे साथ जो है ना वो 2-3 और दोस्त मौजूद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे हैं नवीद साहब। नवीद साहब, आपसे एक सवाल है, आपका IQ लेवल हमने चेक करना है। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से 1000 रुपया। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज आती है आपको? थोड़ी बहुत। कितनी? बस 60% आती है। अच्छा, आप बेसिकली हैं किधर? मैं हूँ अटक। अटक, हाँ फिर तो आती है। चल मुझे बताएं, सराइकी लैंग्वेज आती है? मीठी जुबान है पाकिस्तान। हाँ, ठीक है, ऐसे ही। तो आप मुझे बताएं कि भाजी किसको बोलते हैं? भाजी, भाजी बोलते हैं सालम। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, सालम को बोलते हैं भाजी? भाजी। अच्छा, तो आप घर में जब अपनी मामा को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, भाजी दे दे? नहीं, वो हम नहीं बोलते, लेकिन वैसे बहुत लोग ना पंजाबी में ये फंड पाया जाता है, यूज़ नहीं करते। कभी आपने सुना हो किसी ने कहा कि होटल पे जाओगे तो क्या कहता है? नहीं, भाजी रोटी दे दे, भाजी रोटी, भाजी सालन। कभी अपनी लाइफ में सुना हो भाजी का? नहीं सुना, लेकिन ये मैंने किताबों में, ये वो ना जो पंजाबी किताबें होती हैं उसमें मैंने पढ़ा है, उसके बाद ड्रामे वगैरह में देखता रहूँ, उसमें मैंने देखा। कौन सी क्लास में आपने पंजाबी वो बुक पढ़ी है जिसमें वो सब्जेक्ट होता है पंजाबी? पाँचवीं।
पांचवी यूनिवर्सिटी होता है पंजाबी का? होता है होता होगा। चल जो भी गया दोस्तों, ये तो थे हमारे फेंके फेंके सवाल, और हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? हमने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है। अब आपकी जो सपोर्ट की ज़रूरत है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, और नेक्स्ट टाइम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।